हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अन्वेष और अभी सभी का स्वागत है मेरे चैनल अन्वेष डायरी में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रॉड बीन्स कॉलीफ्लावर की सब्जी। ये बहुत ही हेल्दी, टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं। पहले कढ़ाई में तेल ले लिया है, थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच खड़ा हुआ जीरा, इसको थोड़ा फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी इसके अंदर डालेंगे 1 लाल मिर्च सूखा हुआ, फिर से इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी सब्जी को डाल लिया है, अभी इसको थोड़ा शैलो फ्राई करना है जब तक ये आधी पक ना जाए। देखिए कैसे बनाते हैं। अभी थोड़ा सा ढक्कन को ऑन करके इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा पक गया है, फिर से थोड़ा चला लेना है। फिर इसके अंदर थोड़ा नमक, थोड़ा टर्मेरिक पाउडर ऐड करके इसको फिर से चलाना है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इजीली बन जाता है। फिर लीड ऑन करके इसको बॉयल होने तक छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये बॉयल हो गया है, आधी बॉयल हो गया है। इसमें क्या होगा, सब्जी बनाने के लिए आसानी होगा। तो ये देखिए सब्जी गल चुकी है आधी। अभी तैयारी करते हैं मसाले की। फिर से कढ़ाई ले लिया है, थोड़ा सा तेल डाल लिया है। फिर प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है कढ़ाई में। देखिए थोड़ा ब्राउन हो गया है। अभी एक बड़ा टोमेटो का प्योरी देना है। फिर इसके अंदर अदरक का पेस्ट देके थोड़ा मसाले को फ्राई करना है। थोड़ा सा अच्छे से मसाला को फ्राई करना है जैसे इसका रॉ स्मेल चला जाए। थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, नमक भी स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच सूखी हुई लाल मिर्च देके थोड़ा अच्छे से इसको फ्राई करना है जब तक ऑयल ऊपर उठ के ना आए। अच्छे से फ्राई करते हुए जाना है। रॉ जो स्मेल है मसाला का वो चला जाना चाहिए, तब तक पकाना है। अभी ढक्कन देके गैस को सीम करके छोड़ देना है। ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला पक गया है। अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए जाना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए मसाला तो रेडी है। इसके अंदर भुनी हुई सब्जियां, जो फ्राई शैलो फ्राई किया हुआ जो सब्जियां है वो डाल लेते हैं। डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एक मिक्स दे देते हैं इसको। देखिए आप लोग देखते रहिए, ये देखिए मिक्स हो गया। अभी 1 कप पानी डाल लेना है इसके अंदर। आप चाहिए तो और भी ज्यादा पानी डाल सकते हो। ये देखिए अच्छे से हो गया। अभी एक बॉयल आने तक इसको छोड़ देना है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये एंड हेल्दी भी। ये देखिए थोड़ा सा हम इधर चीनी ऐड कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर इसके साथ आपको गरम मसाला का स्मेल पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हो। अभी लगभग मेरा सब्जी रेडी है। थोड़ा लीड ऑन करके 1 मिनट छोड़ देते हैं। अभी हो गया सब्जी मेरा
एकदम तैयार, बहुत ही हेल्दी टेस्टी है, बहुत ही अच्छा बना है। अब घर पे जरूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। ये देखिए सब्जी बन के तैयार है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय बाय।